नहीं लगते, आप लोग जान पहचान भी होगा, दुर्गा नीतान बोलकर है, वो काफी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में लगा हुआ है, काफी लोग का पासीघाट का क्लज है। सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी से, जैसे आपका प्रेसिडेंट कौन होगा, जैसे गवर्नमेंट सरकार का पैसा इंडिविजुअल नाम को देने का बजाय आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी में करने से हमारा लिए भी सुविधा होगा, आप लोग के लिए भी सुविधा होगा। क्योंकि जो मेमोरेंडम दिया है, जो दिन ही है, आने वाला दिन और आपको कम्युनिटी में है, कहीं ना कहीं से बोलेगा नहीं ये करने से ठीक है, वो करने से उसमें भी तो आएगा, क्योंकि इसमें तो काम खत्म नहीं होगा ना, दो तीन आदमी और तो काम। लेकिन आपका कोई मुस्लिम कम्युनिटी में कोई बाउंड्री होगा, उसको तो आप भी मानना पड़ेगा, उसको तो जैसे हम बाकी कम्युनिटी का बोल रहे हैं, बाकी कम्युनिटी महिला लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशल रिविजन में वोटर आई डी कार्ड में आप लोग थोड़ा हमारा माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट को बोल लीजिए, चंडीगढ़ लोग डी एल सी चेयरमैन उनको लियाजन कर लिए, उसमें ज़्यादा दिन नहीं, जस्ट 15 दिन का टाइम देगा, सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसका क्वालिफाइड उसका लिए तकलीफ, जिसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थोड़ा शॉर्टेज होगा उसको थोड़ा हम लोग को बता दीजिए, हम लोग उसको स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे हमारा यहाँ इलेक्शन ऑफिसर है, मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन रिक्वेस्ट करना तो हम लोग का नियम बनता है। उसके बाद कम्युनिटी हॉल को चुनाव का पहले हम लोग कर देगा, थोड़ा टाइम लीजिए। उसके बाद ट्यूबवेल तो बन रहा है ना, बन गया ना, बन रहा है ट्यूबवेल बनने से आप लोग ऐसा करिए, बस्ती में वो लोग बना देते जस्ट फोट कर ट्यूबवेल लगा कर लोग छोड़ देते हैं, ट्यूबवेल बना रहे ना, पैसा भी आपको वही ढंग से देगा ना, काम प्रॉपरली कर रही है, प्रॉफिट मोटिव में मोट देखिए, प्रॉफिट मोटिव में मोट देखिए, क्योंकि पूरा कम्युनिटी का है। उसका बाद जो कम्युनिटी हॉल को भी अमाउंट तो हम लोग 10 लाख के लिए ऑलरेडी भेज दिया है, अभी एस्टिमेट तो आज का दिन मिला है ना, ऑलरेडी हम भेज चुका है, लेकिन आने वाला दिन में उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारा अच्छा एक चीज़ आप लोग को नहीं पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जनता दल हो, जो भी हो, आम आदमी पार्टी हो, मतलब उसको उठना ही पड़ेगा। लेकिन यह बार तो आप पार्टी को छोड़कर हमको साथ दिया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक विश्वास है, एक विश्वास है, और हम भी सिर्फ वही ढंग में जाने से वो हमको भी आने वाला दिन में तकलीफ होगा, हमारा मुताबिक हम सबका विश्वास को जीतना पड़ेगा, ये सबसे जरूरी है, चाहे ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो। लास्ट टाइम हमारा बस्ती में हमारा तरफ कमजोर लग रहा है, उसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सिर्फ आप ही हमको वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 12 हर वार्ड एरिया में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन आप सबका साथ अभी से नहीं, पहले से लगा हुए वो तो आपको भी मालूम है और बाकी कम्युनिटी को भी मालूम है, और हमको विश्वास है आने वाला दिन आप लोग जिस ढंग से आप लोग लास्ट टाइम मदद किया और इस बार इसी ढंग से करेगा, बोलकर हम लोग सब पार्टी का तरफ से वो भी रख रहा है, और हमारा एक इंडिविजुअल कालिंग का तरफ से भी हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार आप लोग सब आप लोग का लेवल बेस में साथ देगा बोलकर, और ये आने वाला दिन में हम लोग और माइनॉरिटी मीटिंग के लिए प्रपोज है, उसमें आप लोग थोड़ा टाइम के ऑनलाइन से जाकर आप लोग का सुझाव दीजिए, क्योंकि सुझाव बहुत जरूरी है, कई जिस जगह में हम कमजोर है उसका बता दीजिए, और सब ठीक है तो ठीक है, लेकिन आप नहीं बताएगा तो हमको मालूम नहीं होगा कि हम कहाँ गलत कदम उठा रहे हैं, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। और बहुत उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहूँगा अंत में, क्योंकि ये जो अभी कम्युनिटी हॉल वाला जो आपका ये मेमोरेंडम और जो खरीदेगा उसको विश्वास रखिए, और अगर मौका मिलेगा हम लोग एक दूसरा स्कीम भी हम लोग एक्सपेक्टेशन है, वो आने से तो चुनाव का पहले सब कुछ कर देगा, लेकिन वो अभी चुनाव कब डिक्लेयर होगा, कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू अभी बताने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन अगर ये फरवरी तक हो गया तो आप मान के चलिए जो अभी कम्युनिटी हॉल ट्यूबवेल बाउंड्री वाल सब हो जाए, ये तो हमारा तरफ से हमारा एक वादा देगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ये आपको ऊपर है, आप जितना टाइम लगेगा वो आपको ऊपर है, हमारा तरफ आने से डीसी पासीघाट और एसपी पासीघाट ज़्यादा समय नहीं लेगा, इटानगर में थोड़ा रजिस्ट्रेशन में समय ले सकता है, आप उसके लिए थोड़ा गियर अप कर लीजिए। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बायलॉज जो जरूर कौन प्रेसिडेंट होगा कौन सेक्रेटरी होगा डिसाइड कर लीजिए, उसी के साथ मैं लास्ट में आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद।